subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now coming to the next topic, reflex action and reflex arc. क्या होता है ये? जब भी आपने कभी देखा होगा, अगर कोई पतीला गर्म हो रहा है, आपने गर्म पानी रखा है, बहुत गर्म है, गैस पे रखा है, आप उसको एकदम से टच करो, तो without any conscious एक response आता है, हम हाथ हटा लेते हैं, या फिर अगर आप कभी किसी पिन पे बैठ जाओ, आपको वो पिन अगर चुभेगी, तो आप automatically बिना सोचे समझे अपना हाथ हटा लेते हो, आपकी आईज के पास कुछ आता है, तो आप अपनी आईज क्लोज कर लेते हो, ये है रिफ्लेक्ट एक्शन या रिफ्लेक्ट आर्क. सडन विथड्रॉल ऑफ अ बॉडी पार्ट व्हेन इफ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर बहुत एक्सट्रीमली हॉट हो, कोल्ड हो, पॉइंटेड हो, या फिर कुछ स्कैरी और पॉइजनस हो. रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन अकर्स इनवॉलंटरी. इनवॉलंटरी एक्शन होता है हमारी सेंसेस के काम किए बिना, मींस हमारी कॉन्शियसनेस के बिना होता है. विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और थॉट रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीएनएस का पार्ट. इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. जो रिफ्लेक्स पाथवे है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एफरेंट न्यूरॉन एंड एफरेंट. एफरेंट क्या होता है? रिसेप्टर जो रिसीव करता है, एंड एफरेंट इज इफेक्टर और एक्साइटर न्यूरॉन. अरेंज होता है ये इन अ सीरीज. एफरेंट न्यूरॉन रिसीव करता है सिग्नल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन, ट्रांसमिट करता है इंपल्सेस वाया डोर्सल नर्व रूट इनटू द सीएनएस एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. एफरेंट न्यूरॉन क्या करता है? सिग्नल को सीएनएस से इफेक्टर तक लेके जाता है. रिफ्लेक्स आर्क इज द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. स्टिमुलस मिला, रिसेप्टर ने लिया एंड देन रिस्पॉन्स दिया. ये क्या है? रिफ्लेक्स आर्क है. यू कैन सी एफरेंट पाथवे है, रिसेप्टर पाथवे है. ग्रे मैटर में सिग्नल मिला, प्रोसेसिंग होगी, मोटर न्यूरॉन से रिफ्लेक्सेस मिलेंगे. कब? जब भी स्टिमुलस मिलेगा. दिस इज नी जर्क. आपको नी पे लगी, एफरेंट न्यूरॉन्स लेके जाएंगे सिग्नल एंड देन मोटर न्यूरॉन्स स्टिमुलस देंगे. मोटर न्यूरॉन्स एक्शन देंगे, एक्शन का रिएक्शन देंगे एंड नी साइड होगी. दिस इज रिफ्लेक्ट एक्शन. सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग कैसे होती है? आप फील कैसे करते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं जब एनवायरनमेंट में? हाउ डू यू सी एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स कलर? कैसे आपको पता लगता है ये ऑब्जेक्ट क्या है एंड इसका कलर क्या है? हाउ डू यू हियर अ साउंड? कैसे सुनते हो आप कोई भी आवाज? सेंसरी ऑर्गन्स कैसे होता है? सेंसरी ऑर्गन्स डिटेक्ट करते हैं कोई भी चेंजेस अगर हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं. डिटेक्ट किया, सिग्नल को सेंड किया सीएनएस में. इनपुट्स प्रोसेसिंग हुई, एनालाइजेशन हुई, सिग्नल्स देन आर सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द या सेंटर ऑफ द ब्रेन. ऐसे हम सेंस करते हैं कोई भी चेंज हमारे एनवायरनमेंट में होता है. ऐसे ही हम देखते हैं, हमें कलर चेंजेस का भी पता लगता है और ऐसे ही हम सुनते हैं किसी भी आवाज को. फर्दर हम स्टडी करेंगे आई एंड ईयर को.